हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन के ट्रेलर के अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स के पहले पुख्ता सबूत के बारे में, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हो। और इसी के साथ वीडियो की एंडिंग में बात करेंगे कि इंडिया में थिएटर्स कब ओपन होने वाले हैं, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा घर बैठ के बोर हो गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं मूवी सारी मार्वल्स की थिएटर्स में देखूं। तो इंडिया में कब ओपन होंगे, तो गाइस अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में, जो कि है स्पाइडरमैन के ट्रेलर से रिलेटिव। तो सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन के काफी सारे रूमर्स आए और देन फाइनल जो अपडेट आया था, जो कि मैं आपको पहले भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बता चुका हूँ, जो कि अब इस वीडियो में बताना काफी ज्यादा जरूरी, क्योंकि काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ट्रेलर कब आएगा। तो सबको पता है कि जून 1 में और जून 10 को ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, और देन 2020 में दिसंबर के महीने में भी अपडेट था कि ट्रेलर आएगा, पर नहीं आया। हमें कोई भी फर्स्ट लुक नजर नहीं आया, बस 3 इमेज देखने को मिली थी जो कि मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर उसी के बाद डेनियल आरपी के, जो कि मार्वल के बहुत बड़े फैन है, जो कि अच्छा सोर्स है न्यूज का, तो उन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया था 1 जून को पहले ही कि स्पाइडरमैन का ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक विडो मूवी के साथ, जो कि थिएटर में रिलीज होगी ब्लैक विडो, तब आप इसे ट्रेलर को देख पाएंगे। जो कि जी हाँ, कहीं ना कहीं कंफर्म निकला, क्योंकि एक तरीके से 11 तारीख को या 1 तारीख को या 10 तारीख को ट्रेलर हमें देखने को नहीं मिला, ना ही दिसंबर में देखने को मिला। तो होपफुली उनकी बात अगर सच हो तो हमें ब्लैक विडो के साथ ट्रेलर देखने को मिलेगा। और बात करी जाए कुछ अपडेट्स के बारे में, तो इंडिया में थिएटर्स मिड में रिलीज होने वाले हैं, यानी कि ओपन होने वाले हैं जुलाई के मंथ में। जुलाई में आपको मिड में थिएटर्स ओपन देखने को मिलेंगे, और ये डिपेंड करता है कि किस सिटी में कितने ज्यादा केस है। अगर किसी सिटी में केस ज्यादा है तो उस सिटी में थिएटर ओपन नहीं होंगे, और जिसमें बिल्कुल ही नहीं है वहां पे थिएटर ओपन हो जाएंगे। तो कोशिश है कि 15-14 जुलाई के बाद थिएटर ओपन हो जाए। पर इसी में बात करी जाए अगर मार्वल फैंस की, तो उनके लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर बात करी जाए ब्लैक विडो की रिलीजिंग डेट की, तो 9 जुलाई को है वो, और देन अगर इंडिया की बात करी जाए रिलीजिंग डेट की, तो 2 जुलाई को है। तो इसमें दोनों टाइम में ही पीरियड में हम मूवी शायद नहीं देख पाए, क्योंकि मिड में तो थिएटर्स ओपन हो रहे इंडिया में। तो होपफुली क्या होता है, और देन अगर से रिलेटिव जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और चलिए बात करते हैं अब सबसे बेहतरीन अपडेट के बारे में, जो कि है मल्टीवर्स का पहला पुख्ता सबूत। तो फाइनली ब्राजील ने ऑफिशियली स्पाइडरमैन का टाइटल वीडियो रिलीज कर दिया, सोनी कंपनी ने, ठीक है, ब्राजील सिटी में सोनी कंपनी ने पहला टाइटल वीडियो रिलीज कर दिया, जिससे कि सोनी ने फिर उसे तुरंत डिलीट भी करा, पर वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि वो सभी मार्वल फैंस तक पहुंच गया। और देन बीच में टीजर टाइटल वीडियो में एक हल्की सी ग्लिच आई, जो कि आपने स्पाइडरवर्स में भी देखी होगी। तो इस ग्लिच से कंफर्मेशन हो जाता है ये कि हमें इस मूवी में मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, और ये पहला पुख्ता सबूत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन जो कि मार्वल और सोनी की अपकमिंग मूवी है, अभी तक हमें ना तो कोई प्लॉट, ना डिटेल, ना कॉन्सेप्ट पार्ट, ना सेट इमेजेस, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। और ये पहला ऐसा पुख्ता सबूत है ग्लिच वाला, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि हमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और देन होपफुली जुलाई के वेट करते हैं, और देन टीजर का वेट करते हैं। और देन बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे को ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिससे कि अगर कोई भी अपडेट आएगा स्पाइडरमैन से रिलेटेड या कोई भी मार्वल से रिलेटेड, तो मैं तुरंत आपको स्टोरी पे अपडेट कर दूंगा। और देन कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैंने अभी भी स्टोरी पे अपडेट कर रखे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।